नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नया इंटरेस्ट रेट, क्या कुछ खासे नए इंटरेस्ट रेट के अंदर पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है 1 अप्रैल से। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करें इन्वेस्टमेंट, अभी करें या फिर 1 अप्रैल का वेट करें, कौन कौन सी स्कीम में बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीमें चलती है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आराम से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एकदम सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आप कहीं पे भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो उसमें डूब जाने का चांसेस है। जैसे आप देख रहे हो अभी शेयर मार्केट का हाल क्या है, कोई भी न्यूज़ आती है तो फटाक से शेयर मार्केट गिर जाता है। या फिर अगर हम बात करें बैंक वगैरह में, तो बैंक वगैरह में भी 5 लाख का खाली बीमा रहता है, 5 लाख के ऊपर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। इससे अच्छा आप पोस्ट में इन्वेस्ट कीजिए, पोस्ट की बहुत सारी अच्छी स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम में अभी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है करंटली, और मॉडिफाई होके क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट यानी कि SB अकाउंट, इसके अंदर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिलेगा 1,04,000 एक साल के बाद। अभी दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट, उसके बारे में हम बात करें तो रिकरिंग डिपॉजिट आपका इंटरेस्ट रेट है 5.8 अभी लेटेस्ट चल रहा है, और 1,000 रुपये महीने आपको भर के चालू करवा सकते हैं। दोस्तों, 5 साल बाद आपको मिलेगा 69,600 यानी कि 70,000 रुपये आपको मिलेगा 5 साल बाद। अभी दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस में 1 साल का फिक्स डिपॉजिट का रेट है 6.6। अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1,06,700 रुपया। हम बात करते हैं 2 साल के FD रेट, 2 साल का FD रेट है 6.8। अगर 1 लाख रुपये आप रखते हो यहाँ पे तो आपको 1,13,950 तक आराम से मिल जाएगा। अभी वहीं फिक्स डिपॉजिट की 5 साल के बात करें तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है 7%, और इस टैक्स फ्री है, इसके टैक्स में भी बाद मिलता है। पोस्ट की जो भी 5 साल वाली स्कीम है वो आपको टैक्स में डिडक्शन आराम से मिलता है। 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1,35,950 रुपया। ये तो बात हो गई फिक्स डिपॉजिट। अभी दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम है, अच्छी स्कीम, उसकी बात करते हैं MIS। ये भी 5 साल की स्कीम है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1। अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हो तो इसमें आपको मिलेगा 1,35,500 यानी आराम से आप एक इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो, हर महीने आपके खाते में भी आ जाएगा। अभी दूसरी सब किससे धमाकेदार स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और आपको यहाँ पे 5 साल बाद मिलेगा 1,40,000 रुपया। अभी दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की पैसा डबल करने वाली स्कीम है KVP योजना यानी कि किसान विकास पत्र, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.2, और आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल में 2 लाख हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगा। अभी सबसे पॉपुलर स्कीम जो अच्छी वाली स्कीम है वो है PPF अकाउंट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 है। अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 3,15,500 रुपया आराम से मिल सकता है। अभी दोस्तों, हम बात करें कि कौन कौन सी स्कीम में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, क्योंकि RBI ने अभी अभी रेपो रेट बढ़ाया है तो इसकी इफेक्ट ज़रूर आएगी। अभी हम बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 4 है, वो शायद बढ़ने की संभावना नहीं है, वो 4% रहेगा। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिलहाल 5.8 है, वो बढ़ के 6% होने वाला है। ये यहाँ पे पूरी संभावना है, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट लास्ट में नहीं बढ़ा था। अभी दोस्तों, बात करें PPF अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1, ये भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये भी पिछली बार नहीं बढ़ा था, रेपो रेट 2-3 बार चेंज हो गए लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा था, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है 7.4 to 7.6, यानी कि यहाँ पे भी इजाफा होने वाला है 50 पैसा जितना अप्रोक्स। और दोस्तों, बात करें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के, ये छोटे बच्चों के लिए है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 है, वो बढ़ के 8% तक जा सकता है आराम से। तो दोस्तों, ये सब संभावना है, ये 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाने वाला है, तो दोस्तों आप 1 अप्रैल का वेट कीजिए, बाद में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।